अनुपम जी, आज मैं विषय थोड़ा अलग हटके लाया, अलग मिजाज का। जहां हार की पूरी गारंटी है, मतलब 99% तय है कि यहां हारना है पार्टी को, बोले भाई कोई महिला हो तो ढूंढ ले आओ, उसको लड़ा दो यार, क्या? और अखबार वालों को बता दो कि महिलाओं को टिकट दे दिया, क्या? बोले यहां जीत सकते हैं, बोले महिला मत लाना। एक अब इस थ्योरी का एक उदाहरण दे दूं, ऐसा उदाहरण जो सार्वकालिक हो। प्रियंका जी ने जब वो उत्तर प्रदेश में कहा हम 40% टिकट दे रहे हैं महिलाओं को, तो मैंने कहा था ऐसे कार्यक्रम में कि प्रियंका जी यहां 10 ही दे दो, अभी हालत ठीक नहीं है कांग्रेस के यूपी में, अभी 10 दे दो, राजस्थान में 40 कर दो, पंजाब में 40 कर दो, कर्नाटक में 40 कर दो, हिमाचल में 40 कर दो। बोले ना, यूपी में करेंगे। सब हार गए अनुपम जी। अब अखिलेश जी मध्य प्रदेश में 20% करें, 30 कर रहे हैं, 40% दे दें और चाहे 90% दे दें महिला, उससे कोई तात्विक लाभ या महिला सशक्तिकरण हो सकता है क्या अनुपम जी? हाँ अमिताभ जी, देखें मैं सिर्फ कुछ आंकड़े रख रहा हूँ जी, और लोग खुद तय कर लें। पहली बात, जैसे आपने प्रियंका जी के बारे में कहा, तो प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में शक्ति विधान की बात कर रही थी तो सिर्फ 40% सीटों की ही बात नहीं कर रही थी, वो कह रही थी 50% राशन की दुकानें महिलाओं के नाम कर देंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण लाके जो 50% महिलाओं को रखेगा उसको कर पे छूट देंगे, महिलाओं को स्कूटी देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये एक आश्चर्य की बात है जहां पे आपकी सरकारें, इनमें से कोई भी चीज आपने नहीं। रही बात बाकी पार्टियों की, तो वैसे मैं समझता हूँ कि बीजेपी का, फिर मैं एक बात कहूंगा, आंकड़े दे रहा हूं कि उन्होंने कुल 10% सीटें 2019 में दी, लेकिन जब जीत कर सांसद आए भाजपा के तो उसमें 13% महिलाएं थी। और बड़ी मजेदार बात यह है कि महिलाओं की जो सीटें दी गई थी, जो अभी एक बात आप कह रहे थे अमिताभ जी की हारी हुई सीटें दे दो, तो महिलाओं को जो सीटें जो उम्मीदवार बनाया था भाजपा में, उसमें से 75% ने 2019 में और 79-80% ने 2014 में जीत हासिल की। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं और मैं इस पे ट्वीट भी करता हूं कि देखिए, अभी आपने कहा कि जीती हुई सीट और हारी हुई सीट, तो जीती हुई सीट तो अक्सर करके राज्यसभा और विधान परिषद में आती है जहां पे जीत एकदम सुनिश्चित होती है, और वहां पे महिलाओं के प्रति आपका क्या रुख है, इसको आप देखें कि लालू यादव अपनी पुत्री को मीसा को राज्यसभा भेज देते हैं, विधान परिषद में राबड़ी को बैठा देते हैं, अखिलेश यादव 4 बार अगर भेजते हैं तो जया बच्चन को भेजते हैं, स्टालिन को राज्यसभा भेजने के लिए अपनी बहन कनिमोई मिलती है, केसीआर को अपनी बेटी कविता मिलती है विधान परिषद में भेजने के लिए, और उसके बाद जब लोकसभा की बात आती है, अभी जैसे आप ड्रीमा की बात कह रहे हैं, तो भाई जब आपको जीतना ही नहीं है तो किसी को भी दे दीजिए। ठीक है अनुपम भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जो बात अनुपम मिश्रा ने कही, मैंने भाजपा का उल्लेख आरंभ में जानबूझकर नहीं किया, ताकि ये नहीं हो कि भाजपा को अपने अच्छा किया बुरा किया वो बताने के लिए बहस रख ली, क्या नहीं। जिन लोगों ने टोटल हिपोक्रेसी की, मैं उनको आईना दिखाने के लिए बहस लेके आया। क्या भाजपा ने तो अमेठी से लड़ाया स्मृति ईरानी को और जिता के लाए, वो विषय अलग है, लेकिन हारी हुई सीट और जीती हुई सीट, अनुपम जी ने उसमें एक वो रोचक विभाजन किया है, लेकिन मेरी थोड़ा सा इसमें दृष्टिकोण दूसरा था। राज्यसभा विधान परिषद को तो है ही, वो तो बहुत ऑब्वियस विभाजन है, हारी हुई और जीती हुई सीट का मैं तो उदाहरण से समझता हूँ, शास्त्रीय व्याख्या से नहीं। जैसे गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी, मैं उसको हारी हुई सीट मानता हूँ, कोई मौसम हो, कोई नेता हो, कोई घोषणा पत्र हो, क्या? गाजियाबाद सपा के लिए हारी हुई सीट, क्या यहां स्त्री लड़ा दो, कोई कुछ चाहे पुरुष लड़ाओ, ये मेरा विभाजन है अपने ढंग का। इसलिए महिला कहां टिकट दी गई ये महत्वपूर्ण। भुवन भास्कर जोशी जी, बात रीवा मध्य प्रदेश में अखिलेश जी ने कहा कि भाई हम 20% देंगे, क्या 40% उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दे के देख चुकी, क्या बेहतर ये नहीं होता कि अखिलेश जी सारा अपना नारी सशक्तिकरण का जितना भी जज्बा है उसको 3 महीने होल्ड करते और यहां उत्तर प्रदेश में आजमाते? नहीं, क्योंकि वहां जितनों को भी लड़ाएंगे
उनमें अधिकांश की जमानतें जमानत की समस्या हो जाएगी। जोशी जी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने कल रीवा में कहा है कि समाजवादी पार्टी 20% आरक्षण देगी टिकटों में और टिकट देने का काम करेगी 20% महिलाओं को। अगर ये आज हमारे विपक्ष ने, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया होता तो आज जो हेडलाइन होती ये होती मोदी का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब तो हमें आदत सी पड़ गई है। आदत कैसी पड़ गई है कि माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, उनके जो आवास को धोया जाता है गंगा जल से, एक अस्पष्टता का उदाहरण देके, एक शेर से अपनी बात को कहूंगा, मैंने आज तक आपके चैनल में शेर नहीं सुना। शेर कही दो बिल्कुल, मौसम भी ठीक है, आज तक नहीं सुना, आज सुना देता हूँ। आज आप क्या सुनाए दास्ता अपने अफसाने की, वक्त बदलते ही नजर बदल गई जमाने की। कौन कहता है हम खुश है मगर, कौन कहता है हम खुश है मगर, अब तो आदत सी पड़ गई है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की। ये आदत अच्छी बात है, मुस्कुराने की पड़ गई है। जब भी माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐतिहासिक काम करते हैं, सारा मीडिया अपना एंगल को बदलने का काम करता है। क्या स्वागत नहीं होना चाहिए? ठीक है जोशी जी, बिल्कुल स्वागत, सबका स्वागत, सबका स्वागत जी, बिल्कुल। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, एक उदाहरण देते हुए साक्षी के पास बाद में आऊंगा, अभी भाजपा के पास, क्योंकि सबको सुने भाजपा, फिर सबका उत्तर दे, सरकार में है इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक बात कहूं, जोशी साहब ने जो बात कही उसमें मेरे मन में एक बड़ी मासूम सी बात आ गई, मौसम है मुस्कुराने का। आज ही मान लो कल, अनुपम भाई आप भी सुन लो, कल मान लो हमारे मित्र ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद का मन, थोड़ी तबीयत भुरभुरी हो जाए और संजय निषाद कहें कि नागालैंड में हम 100% महिला उम्मीदवार देंगे, और ओम प्रकाश राजभर कहें कि त्रिपुरा में हम 100% महिला उम्मीदवार देंगे, तो क्या करेंगे? इस चकल्लस का कोई अंत है क्या? आजमगढ़ में क्या करोगे उतना बताओ ना, जहां प्रभाव है वहां बताओ नहीं है, और को हांगकांग में ये करेंगे? अरे भाई, जहां प्रभाव है वहां मूल व्यवहारिक समस्या तो समझो। चंद्रेश जी, बिल जब लागू होगा तब हो जाएगा, ठीक, जनगणना, फिर पहले मतगणना होगी, फिर जनगणना होगी, फिर परसीमन होगा, यही क्रोनोलॉजी है अभी महिला आरक्षण की। क्या तो जब नौमन तेल होगा तब देखेंगे। अभी क्या हो सकता है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% महिलाएं आपने उम्मीदवार बनाई, उनका बायोडेटा और खराब कर दिया। नहीं, राजस्थान में लड़ाया होता तो मंत्री होती, विधायक होती, निगमों में होती, नहीं, छत्तीसगढ़ में लड़ाया होता, विधानसभा का रूप स्वरूप बदल जाता। यहां का है कोई लड़ाई जहां पता था वोट ही नहीं है अपने पास? चंद्रेश जी, अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और उत्तर प्रदेश के संबंध में निर्णय लेने का उनको अधिकार था। राजस्थान के बारे में राजस्थान के प्रभारी तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे क्या करना है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने निर्णय लिया। महत्वपूर्ण बात अमिताभ जी ये है कि जब कोई राजनीतिक दल कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय सही है या गलत है, वो निर्णय कितना प्रभावशाली है या अप्रभावशाली है, ये बात की चर्चा का विषय है, लेकिन निर्णय सही है या गलत ये महत्वपूर्ण विषय है। और निर्णय यदि सही है तो उसका समर्थन होना चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में कोई बयान जारी करें या प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई पहल की जाती है तो उसका समर्थन होना चाहिए। जब नारी बंधन बिल इन्होंने लेकर आए सदन में तो हमने समर्थन किया, हमारे सभी सदस्यों ने समर्थन किया और हमने कहा कि नारी बंधन बिल आप ला रहे हैं, महिला को रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आप 2024 के आम चुनाव में रिजर्वेशन महिलाओं को दीजिए, हमारी पार्टी समर्थन करती है। और हो सके अमिताभ जी 2024 में ही कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के मंच से अपने पार्टी के खेमे में 30% महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाए। महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारा दृष्टिकोण साफ है, हम पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को रिजर्वेशन देकर अपना दृष्टिकोण पहले स्पष्ट कर चुके हैं। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बाइट सुन रहा था, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल लेकर आई,
क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के दूसरे अलायंस के साथ मिलकर महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया था? और जब इन्होंने सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल लाया है तो ओबीसी के महिलाओं को हक क्यों नहीं दे पाए? ये ओबीसी की महिलाओं को ओबीसी का मसला हम दो तीन बार बहस उस पर कर चुके। अब आज ओबीसी के कहने बहस डिरेल हो जाएगी, वो बड़ा सेंसिटिव मसला, दो तीन बार मैं उस पर चर्चा कर चुका, स्पेशली एक्सक्लूसिवली ओबीसी कोटा विद इन कोटा उस पर कर चुका। आज करेंगे तो मेरा विषय भटक जाएगा और मेरे अंदर एक बड़ी खराब आदत, मैं एक दिन एक विषय, घोरमाठा नहीं, घोरमाठा मुझे पसंद ही नहीं ना, थाली में अलग अलग कटोरी रखो, सान के नहीं रखो, सानी मत करो क्या। ये चंद्रेश जी ने एक बात कही, बड़े प्रतिभाशाली प्रवक्ता हैं, नौजवान लोग पार्टियों में आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, साक्षी हैं चंद्रेश है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि प्रियंका जी केवल उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, ये बात तकनीकी तौर पर ठीक है क्या? जैसे नोटरी ने नोटरी को लिखा पड़ी, सब नोटरी से दस्तखत करा लेते हैं क्या, होता कुछ और नोटरी दस्तखत कुछ और कर देता क्या, वो तो पैसा लेना, वैसी बात है। प्रिया छत्तीसगढ़ में पार्टी का सम्मेलन हो रहा था, अनुपम जी प्रियंका जी एयरपोर्ट से आई जब वहां छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने एयरपोर्ट से सभा स्थल तक 9 टन या कितने टन गुलाब के फूल सड़क पर लगा बिछा दिए थे क्या, चाहे गहलोत हो चाहे भूपेश बघेल हो, सब आधा झुक जाते हैं प्रियंका जी को गुलदस्ता देते समय। भाई कोई कोई मानेगा ये बात कि प्रियंका गांधी, बोले भाई उनकी हैसियत केवल यूपी तक थी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी ये तो सार्वकालिक अध्यक्षों के अध्यक्ष हैं कांग्रेस में, ये सच है, इसे कौन इनकार कर सकता है, उनके पास कोई पद ना रहे फिर भी वो प्रियंका गांधी हैं मित्र, इसलिए मैंने कहा वो करते तो सब हो जाता। खैर साक्षी दिवाकर, वही सवाल आपकी पार्टी पर भी लागू होता है, अब केरला में आप 100% लड़ा दो क्या, तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे, लड़की लड़ सकती हैं क्या, क्योंकि हमको मालूम है आप कहो कुछ कि 200 आएंगी 400 आएंगी, केरला में आप पास कुछ आना जाना नहीं क्या, ये तमिलनाडु में कह दो जी 60% महिला लड़ाएंगी, तो मैं तब भी ये कहूंगा कि उनका आपने पैसा खराब करा दिया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, दीजिए 33%, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दीजिए, जहां आप या तो प्रमुख विपक्षी दल होंगे या सरकार में होंगे, ये ईमानदारी की बात है कि नहीं साक्षी दिवाकर? देखिए अमिताभ जी, हम प्रत्याशी बनाने में विश्वास नहीं रखते, हम एमएलए एमपी बनाने में विश्वास रखते, यही कारण है कि हम ये कानून लेकर आए, क्योंकि अगर ऐसे ही होता तो चाहती बीजेपी चाहती तो पहले ही 33% का रिजर्वेशन दे देती, लेकिन जरूरी नहीं, अन्य पार्टी भी देती और जिस सीट से हम देते फिर वही आरोप लगता कि जहां आने वाली सीट थी वहां से टिकट दे दिया, तो इसलिए जहां से महिलाएं लड़ेंगी वहां से सभी महिलाएं लड़ेंगी और जीत के वहां पहुंचेंगे, ये हमारी मंशा थी, तो सिर्फ प्रत्याशी बनाने की नहीं एमएलए एमपी बनाने की हमारी मंशा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, किसी भी चीज की शुरुआत घर से होती है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं को शुरू से ही प्राथमिकता देती आई है, हमारे संगठन तक में 33% का कोटा रिजर्व है महिलाओं के लिए, और शायद इसीलिए कह सकते हैं कि बाकी अन्य पार्टी के प्रवक्ता पुरुष यहाँ बैठे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही महिला प्रवक्ता को भेजा है, वो बात अलग है, सपा के फोटो फ्रेम में डिंपल जी आई हुई है लेकिन आधिकारिक ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे प्रवक्ता महिला नहीं है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से सिर्फ महिला नाम के लिए महिला हम लोग घोषित नहीं करते, अभी अनुपम जी जो बता रहे थे कि 10% वोट हमने टिकट दिए महिलाओं को लोकसभा में, उसके बाद 13% जीत के आई, तो जाहिर सी बात है कि जिस सीटों पे हमने दिया वो मजबूत सीटें थी, वहां से जीत के आने वाली स्थिति में भी थी। उसके बाद उससे बड़ी बात जो अनुपम जी नहीं बता पाए मैं बताना चाहूंगी, 2019 के जो मंत्रिमंडल है हमारा उसमें 14% रिजर्वेशन है महिलाओं को, मतलब है कि आज तक का सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है, और भले 13% महिलाएं हैं सांसद में लेकिन 14% को कैबिनेट में हिस्सा दिया गया है, और सिर्फ नाम के लिए रबर स्टैंप के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया। महत्वपूर्ण जो हमारे मंत्री
मंत्री बनाए गए थे, जैसे कि रक्षा मंत्रालय जी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण उनको विभाग दिए गए थे, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस की बात की जाए, एचआरडी मिनिस्ट्री हो, तो महिलाओं को प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी शुरू से दे दिया। यही कारण है 2014 से लगातार महिला जो महिला है आदि आबादी है वो मोदी जी का सम्मान करती है, मोदी जी को जो पूर्ण बहुमत लाने में पूरी तरीके से मददगार साबित होती है। जी एक बात साक्षी ने अलग हटके कही कि भाई हम आएंगे, भैया आएंगे आपके पास, कि हम उम्मीदवार नहीं, हम एमएलए एमपी बनाने में ज्यादा वो करते हैं। बात यही ठीक भी है, उनका सशक्तिकरण तभी होगा जब एमएलए एमपी आप बनाएंगे, तो क्लास बदलेगा तब सशक्तिकरण आएगा। अनुपम भाई, एक समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, अभी 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में यही दो दल राज कर रहे थे अदला बदली करके, ठीक, ना भाजपा थी ना कांग्रेस थी, इसलिए मैंने इन दो का नाम लिया। बसपा ने तो आज तक जब से जन्मी तब से महिला मोर्चा, महिला प्रकोष्ठ जैसी कोई चीज ही नहीं रखी अपनी पार्टी में। भगवान का नाम लो क्या, ना वक्ता महिला, ना प्रवक्ता महिला, ना टिकट दिया, ना कुछ किया, ना पदाधिकारी बनाया, ना अधिकारी बनाया, ना कोषाध्यक्ष, ना जिलाध्यक्ष, क्या? और ऐसी कोई फोटो नहीं देखी होगी किसी ने, सबसे उम्रदराज जोशी जी बैठे, इन्होंने भी नहीं देखी होगी कि बहन जी के साथ उनकी पार्टी की चार नेता कहीं फोटो में आई हो, क्या? तो इससे भी एक समझ में आता, वही वैसा तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महिला मोर्चा तो बनाया, लीलावती कुशवाहा उसमें लंबे समय तक रही, क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पावर सेटअप रहा पिछले 30-35 साल में मुलायम सिंह जी के समय से है, उसमें कभी महिला नहीं रही, नेवर, नो। अनुपम जी, नहीं, एकदम सही कह रहे हैं अमिताभ भाई आप। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, मुझे लगता है कि मायावती जी को लगता है कि मैं महिला हूं, मैं बसपा की सुप्रीमो हूं, मैं 4 बार की मुख्यमंत्री हूं, और मेरे रहते मैं महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी खुदी एक जिसे कहना चाहिए प्रतीक हूँ मेरे रहने के बाद। अब उसके बाद महिला रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए, ये उनकी अपनी थॉट प्रोसेस एकदम साफ नजर आ रही है और इसको कोई किसी भी तरह रहे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, अगर डिम्पल जी को छोड़ दिया जाए तो आप देखें कि उषा वर्मा को आपने हरदोई से लड़ाया, आपने एक चीज से दो शिकार किए कि साहब आपने एक दलित को भी लड़ा दिया, महिला को भी लड़ा दिया, और क्यों लड़ा दिया, क्योंकि 2014 में इसी सीट पे समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पे आई, तो चौथे नंबर पे आने वाली सीट पे आपने उषा वर्मा को भेज दिया, पूर्वी वर्मा को आपने खीरी में भेज दिया, क्यों 2014 में चौथे नंबर पे आई थी, तो आपने छाट के देखा कि कहां कहां चौथे नंबर पे आ रही है पार्टी, वहां पे महिला को टिकट दे दो। और जाहिर सी बात है दोनों हार गए, डिम्पल भी हार गई, वो एक अलग बात है, देखिए डिम्पल को छोड़, बाकी उनका अपना एक नजरिया है। आप कांग्रेस का देखें आप कि इनका कुल, इन्होंने जितनी महिलाओं को टिकट दिया उसकी मात्र 11% जीत की आई। और मैं एक सिंपल सी बात और है, इसको समझना पड़ेगा अमिताभ भाई, कि चाहे फिर वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, और कोई भी हो, नौकरशाही हो, महिलाओं को लेके एक माइंडसेट है हजारों साल का बना हुआ है, वो कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में, कुछ सालों में नहीं बदलने वाला, हमको इस बात को स्वीकार करना होगा। और एक बात जो मैं देखिए, मैं अमिताभ भाई पहली बार आपके शो पे हूँ, लेकिन मैं बातों को बहुत दुबा फिरा के नहीं कर पाता हूँ। एक बात, महिलाओं को लेके अलग अलग पार्टियों का अलग अलग व्यू देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि बसपा का व्यू है कि मायावती के रहते वहां पे किसी और महिला की आवश्यकता ही थी, सपा का महिलाओं को लेके क्या व्यू है, महिला आरक्षण बिल पे परकटी, पाउडर, लिपस्टिक, लड़के हैं गलती हो जाती है, गेस्ट हाउस कांड सब देख चुके हैं। भाजपा का क्या व्यू है, वो भी हमको समय समय पर नजर आता रहता है। तो कुल मिला के कांग्रेस का क्या व्यू है, क्या भी आप पूछ रहे थे, एक एक आपकी बात है, अभी आप कह रहे थे कि प्रियंका गांधी कौन, तो जो एक वंशवादी राजनीति होती है, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, उसमें एक अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि साहब आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में केवल टिकट दे सकते हैं, जिताने और हराने वाली पब्लिक होती है। लेकिन जब हम प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो कांग्रेस में कई किलोमीटर तक लंबी पोलों की जो आपने बताया एक सड़क बनाई जाती है, उन प्रियंका गांधी ने आज तक कॉरपोरेटर तक का चुनाव नहीं लड़ा है, और वो यूपी के भी प्रभारी है और दुनियादारी जी नहीं, वो प्रभारी ही नहीं, वो भारी है पार्टी में, प्रभारी होना छोटी बात है, वो भारी कोई है, कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई चुनाव नहीं, चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं, वो लड़ाने वाले वो मुख्यमंत्री तय करती हैं, जिस बैठक में मुख्यमंत्री तय होता है उसमें वो होती है, उनकी से होती है, तो जो आदमी मुख्यमंत्री तय कर रहा है वो चुनाव लड़ेगा,
भगवान का नाम लो। अरे भाई अरे चंद्रेश, एक बात और कहूँ, अनुपम जी ने कहा कि मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनको इसलिए लगता है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, उनका चुनाव चिन्ह भी हाथी है क्या, क्योंकि हम ही आगे। उसमें एक मैं तरमीम करूंगा, कांशीराम जी के समय में मायावती जी का कोई बायोडेटा नहीं था, तब तक बसपा की जनरल सेक्रेटरी बनाई गई थी, यूपी का प्रभार दिया गया था जब मुलायम सिंह की सरकार आई थी। अनुपम भाई सुन लीजिएगा, तो मैंने कांशीराम जी से पूछ कहा कि भाई आप अपने यहां कोई महिला का विंग बनाओ, कोई मोर्चा बनाओ, प्रकोष्ठ बनाओ, कुछ तो करो, ये तो बड़ा गजब किस्म का पार्टी चला रहे हो आप। तो उन्होंने मुझे एक विशिष्ट उत्तर दिया था, वो यहां नहीं कहूंगा क्या कि महिला के अलावा उनके पास इकलौती पार्टी जिसका छात्र मोर्चा था। ठीक, नहीं छात्र छोड़ो, उसमें विशेषता नहीं है, नहीं क्यों नहीं बनाया उनकी रुचि से, मैं महिला पर जो मुझसे कांशीराम जी ने कहा था वो मैं यहां उद्धृत नहीं करूंगा क्या, तब भी नहीं बना और तब से लेके आज तक नहीं बना। आधी आबादी के प्रति आपकी ये सोच है, उसमें दलित भी तो है बच्ची, उसमें पिछड़े घर की बिटिया भी है, आपने दरवाजे बंद कर दिया, ये मसला है। चंद्रेश बाबू क्या कह रहे थे आप बताइए, मूल प्रश्न मेरा मत मानना यह है, जो सीटें राजस्थान में आप जीत सकते हैं उनमें अच्छी खासी संख्या में महिलाएं लड़ाइए, ताकि वो विधायक बन के जाए विधानसभा में। अमिताभ जी, आपको हम लोग छात्र जीवन से सुनते हैं, आपके विश्लेषण हम लोग सलाम करते हैं, और जब हम लोग छात्र होते थे प्रतियोगिता में हम लोग आंदोलन करते थे तो आप प्रतियोगियों की आवाज बनते थे, लेकिन आज जो आपने विश्लेषण किया उसमें थोड़ी कमी रह गई और मुझे दुख है। बताओ भैया, आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया, आपने कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन आपने RSS का नाम नहीं लिया, जो महिलाओं से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते, दूर दूर तक दूरी बना के रखते हैं, लंबे समय तक कोई महिला संगठन नहीं रहा इनका, और RSS का प्रचारक वही बनता है जो शादी नहीं करता है, क्योंकि इनका मानना है कि शादी कर लेंगे तो समाज और राष्ट्र का सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसे दिग्भ्रमित लोग जो प्रेजुडाइज पूर्वाग्रहित लोग हैं उनसे निकले हुए राज्य में मंत्री है, केंद्र और राज्य में मंत्री है, उनके बारे में चर्चा नहीं हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी ये दावा करेगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में विभिन्न राज्यों में 30% महिला को टिकट देने का कार्य करेगी? कितने इनके मंत्री हैं, कितना इन्होंने प्रभारी बनाया, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया और इस देश की अनुसूचित जाति की बेटी को बनाया, देश की पहला खाली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% रिजर्वेशन देने का आह्वान प्रियंका गांधी जी ने किया, और नहीं किया होता तो शायद महिला बंधन भी लोकसभा भी ये डर नहीं लाए होते। तो ये प्रियंका गांधी जी के पहल की बात है। चलिए ठीक है, आरोप ऐसा नहीं हो सकता जो अनुत्तरित रह जाए मेरे मंच से। जिस दिन मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं होगा ये काम करना बंद कर दूंगा। चंद्रेश ने एक प्रश्न उठाया, उसका एक संक्षिप्त उत्तर दे दूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, फलान ढिकान, 36 किस्म के संगठनों का नाम ले दें, जितने आप लोगों को याद नहीं होंगे उतने मैं ले दूं, साक्षी को भी शायद उतने नहीं याद होंगे क्या, जिस दिन वो चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये पार्टी है और उसको चुनाव आयोग ने गिलास चुनाव चिन्ह दे दिया, उस दिन अमिताभ अग्निहोत्री उनको कटघरे में खड़ा कर देगा। ठीक, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी मेरे कटघरे में खड़ी है, इसलिए हमको ही ऐसे दाएं बाएं लपेटाला पार्टी करने कोशिश नहीं करो बाबू ना, तर्क दो तो ऐसा दो फिर जो कटे नहीं। और दूसरी बात, मैंने भाजपा से क्या कहा था कि केरल में 100% महिला लड़ा देंगे, ये बात मुझे मंजूर नहीं होगी क्या, आप इसका पोस्टर छपा सकते हैं लेकिन मुझे मंजूर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में जहां आप 70 विधान लोकसभा सीट जीत रहे हो, 60 सीटें जीत रहे हो पिछले दो चुनावों से, 60 से 70 के बीच में, वहां कितनी महिला लड़ेंगी मैं वो देखूंगा भाई साहब, इसीलिए मैं प्रियंका गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। मित्र, उत्तर प्रदेश में 40 नहीं 403 में 400 महिला लड़ा देते आप, क्या होना था, जीतना किसको था ये तो मालूम था ना, वोट का प्रतिशत 2 था,
अमिताभ जी भैया ना अभी ना 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 जब जब प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो जाए, प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो जाए तो आदमी की भावर डाल दो, जब उसको मरना ही है तो भावर तो ना डालो यार। नहीं अभी नहीं, महिलाओं को आरक्षण के लिए बिल लगना पड़ा, ठीक अच्छी महिला अच्छी बात है भाई, ठीक है चंद्रेश अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सदन में विरोध किया उसी बिल को, ठीक भुवन भास्कर जोशी के पास चलूंगा। और ये बिल मुझे इस अनुपम भाई इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है, इस बिल ने सबको खुश कर दिया। क्या ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे दल सब अपना कंधा थपथपा रहे, बोले गुरु मेरे डर से लाए मोदी बिल, क्या हम सबको कह रहे लड्डू खाओ, बिल आया मेरे, मेरी प्रसन्नता इतने में है। क्या कांग्रेस वाले कहेंगे मोदी जी हम प्रियंका जी से डर गए, यूपी में उन्होंने जो पराक्रम किया था, ये भी अच्छा है, क्या बुराई बोलने में। अखिलेश जी कहें हम, हालांकि ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि महिलाएं सदन में आएंगी तो सीटी बजेंगी, क्या लेकिन चलो वो भी श्रेय ले रहे। अच्छा मायावती जी कह रही हमारे कारण बिल आया, हम उनको भी धन्यवाद कह रहे, इसमें काय की कंजूसी, अपने माथे रोली तिलक लगाओ। भुवन भास्कर जोशी जी, समाजवादी पार्टी के लिए चूंकि वो उत्तर प्रदेश सेंट्रिक पार्टी है, उसका आकलन और उसकी समीक्षा उत्तर प्रदेश में महिलाओं को हिस्सेदारी से होगी, ठीक पार्टी में और विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, आपकी पार्टी के संगठन में महिलाओं को महिला मोर्चा मत गिनाइएगा, वो तो महिलाओं का ही मोर्चा है, उसमें पुरुष थोड़े ना जाएंगे क्या, लेकिन बाकी में देखिए तो निर्णय लेने वाले किसी भी सिस्टम में महिलाओं की भूमिका दिखी नहीं। जोशी जी आदरणीय अमिताभ जी, पहले तो आपका भी प्रश्न दे दूं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने भी वो प्रश्न उठाया, मैं दोनों की बात का मिक्स जवाब दे दूं। जी जी। और मिक्स ये जवाब है कि हमारे प्रवक्ताओं की सूची देख लीजिएगा तो लगभग लगभग आप पाएंगे वहां पर कम से कम 20% जो है महिलाएं, तो 20% महिला ने शुरू किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, एक विषय। नंबर दो, जो कल की जो घटना घटी है, जो कल जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, अब वो इतिहास में दर्ज हो गया। अब आज हम सब लोग अपना बारूद निकाल दें, अपनी गोली निकाल दें, तोप निकाल दें, लेकिन ये इतिहास में दर्ज हो गया कि जब आरक्षण लागू, आरक्षण का बिल आया था, उसके बाद किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने सबसे पहले 20% टिकट की घोषणा करी थी। बेशक सब लोग तैयार हो गए कि कहां पर कहां देंगे 20%, ये महत्वपूर्ण है, परसेंटेज महत्वपूर्ण नहीं। मैंने कहा ना संजय निषाद तमिलनाडु में 100% आरक्षण दे दे अपनी पार्टी चुनाव लड़ा दे, उसको कोई लाभ है, उसको कोई लाभ है, उसका जवाब दे दूं, जवाब दे दूं, समझ गया, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, समझ गया उसका, मैं उसी बात का जवाब दे दूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जो ये मध्य प्रदेश से जो बात गई है, आप निश्चित तौर पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे आप मुझे डिबेट में बुलाइएगा, विधानसभा के जो चुनाव होंगे निश्चित तौर पे ये बात आगे बढ़ने का काम बिल्कुल जोशी जी बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने जी, एक अन्य राजनीतिक दलों को एक मैसेज दिया है कि हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल बिल्कुल जोशी जी, एक दो उदाहरण अनुपम मिश्रा ने गिनाए, चश्मा लगा के लगा देखा कि चौथे नंबर कहाँ है, बोले महिला ले आओ दो या लड़ा दो, क्या अब बोले दलित हो तो दोनों कोटा एक ही बार पूरे हो जाएंगे, हारने गारंटी है, क्या बोले बवाल काटो। जोशी जी ऐसा नहीं करो महाराज, ऐसी खाना पूर्ति मत करो, बस एक बार जीत वाली सीट पर चुनाव लड़वाओ, चौथे नंबर में महिला जब जब पुरुष चौथे नंबर पे आ रहे वहां महिला कहां से एवरेस्ट चढ़ जाएगी। आपने कहा महिला भी है, पिछड़ी भी है, दलित भी है, सब है, लड़ा दो सारे कोटे पूरे हो गए हैं, बोले राजेंद्र चौधरी जी रिलीज जारी कर दो सारे कोटा पूरे। जी मिश्रा जी जल्दी से बात जोड़ रहा हूं, बहुत जल्दी से जी। अभी जोशी जी का बयान सुन रहे थे, केवल पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित किए 110 लोग हैं जी, उसमें दो महिलाएं, दो महिला दो ही तुम करो, दो ज्यादा रख दी 110 में, 110 में दो ज्यादा रख दी बताइए 2% नहीं दिया, और मध्य प्रदेश में करे 20% लड़ाएंगे, खैर भैया ठीक है, कितना महिला लड़ा रही है ठीक। दिवाकर जी, अरे साक्षी दिवाकर, देखो भाई एक बात हमेशा ध्यान रखिए,
कहां लड़ा रहे हैं, सीट और स्थान, राज्य दोनों महत्वपूर्ण है। महिला को हैंडल विद केयर करना होगा कुछ चुनावों में हमको, तब वो जाके बराबर पर आएगी। हम ऐसे जानबूझ के ऐसे स्थानों पर उनको लड़ा रहे हैं जहां से उनका मनोबल टूट जाए। देखिए कानून ही इसीलिए बनाया गया है कि एक बार उन्हें अवसर मिल जाए, अवसर मिल जाए। प्रतिभा तो महिलाएं अपने आप को खुद को सिद्ध करना जानती है, और हमारे कैबिनेट में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने बेहतरीन काम किया है और अपने आप को स्थापित कर दिया है। अभी चंद्रेश जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं, वो आपने क्लियर कर दिया कि वो पार्टी नहीं है, उन्हें ये पता होना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी आरएसएस की जहां एक और मैन विंग है वहां पे वुमेन विंग भी है, राज्य सेविका समिति, और जो हमारे आधी आबादी ना भारतीय जनता संगठन मंत्री आरएसएस का होता है, प्रचारक आरएसएस का होता है, सब आरएसएस के होते हैं। चंद्रेश जी बात लीजिए, चंद्रेश जी अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे केवल आपकी क्या बात जा रही है, आप बोलिए जी। देखिए राष्ट्रीय सेविका समिति हमारी है और हर घर में उसकी पैठ है, इसलिए भारतीय जनता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हमारा संघ हो, दोनों ही पार्टी जब महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप सिर्फ नाम के लिए प्राथमिकता नहीं देते, और 2022 की बात की जाए जो आपने 40% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में किया था, और सही मायने में अगर आप राजस्थान और दूसरी जगह कर देते तो आपकी स्थिति ये नहीं होती। आप 7 सीटों से मात्र 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आ गए। महिलाएं अपना अच्छा बुरा जानती है, वो अगर अच्छा काम करोगे तो जिताना भी जानती है और गलत काम करोगे तो हराना भी जानती है। यही कारण है कि 6% से आप 2% पे आ गए उत्तर प्रदेश में। तो महिलाओं को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। महिलाएं अब अपने अपने राइट्स के लिए लड़ सकती है, और अब समय ये भी आ गया है, अब उनके लिए योजनाएं और नीति भी बनाई जाएंगी, अब वो स्वयं के लिए नीति और योजनाएं बना सकेंगी आने वाले समय में, आप ये भी देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से महिलाओं की महिलाओं को प्राथमिकता देती आई है, और उसके महिलाएं भी उसका साथ देती आई है। ठीक बात है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर मान लीजिए चंद्रेश, ठीक चंद्रेश अब रुक जाओ भाई, अगर मैं चंद्रेश की बात भी मान लूं एक क्षण के लिए, क्या कि संघ ही तय करता है भारत भाजपा का प्रमुख मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन हो, तो मेरी व्यक्तिगत राय है, आऊंगा जोशी जी आपके पास, बस एक उत्तर दे, एक टिप्पणी कर दूं फिर आपके पास आऊंगा एक विशेष सवाल लेके। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानूंगा संगठन कोई हो वो तय करे तो उसमें सामूहिकता रहेगी, ठीक। परिवार तय करे कौन मुख्यमंत्री होगा कौन प्रधानमंत्री होगा, वो ठीक नहीं लोकतंत्र में। क्या संगठन तब भी बड़ा होता है, सब लोगों की राय भी आती है उसमें, परिवार में बात खत्म हो गई, बोले इसकी शक्ल नहीं पसंद, बोले हटा दो इसको, है बोले तुम पर्चा भर दो, अगला पहुंच गया दिल्ली कार से, है फिर अंत में जाके कह दिया नहीं आप खड़गे लड़ेंगे, बोले अच्छा ठीक है हम लोग वापस जा रहे हैं। क्या खड़गे ने कहा भी कि हम राहुल गांधी के आशीर्वाद से अध्यक्ष बने हैं समर्थन से, ऐसा नहीं कि खड़गे जी कोई कृतज्ञ है, वो वफादार हैं, उन्होंने कहा भी कि गांधी परिवार ने हमको चुना इसलिए हम अध्यक्ष हैं, उनने कभी नहीं कहा हम वोट से अध्यक्ष हैं, इसलिए नहीं। चंद्रेश अभी नहीं आएंगे आपके पास, ना अभी नहीं, जब आएंगे तब बोलेगा, इससे बेहतर है कोई संगठन चुने, ठीक। एक व्यक्ति एक परिवार, समाजवादी पार्टी में भी समस्या यही है ना कि एक पोस्टल एड्रेस है वहीं से सब तय होगा। मैं कहता हूं एक पोस्टल एड्रेस वाला काम हटाइए। जोशी जी, अनुपम मिश्रा जी बड़े लिखने पढ़ने वाले सुविज्ञ व्यक्ति हैं, आप जानते हो क्या उनने कहा, 120 की सूची जारी की आपने अपने प्रदेश में, अपना प्रदेश मतलब जहां आप सरकार में रहे हो, जहां प्रमुख विपक्षी दल हो उत्तर प्रदेश, उसमें आपने कुल 2 महिलाएं रखी, और आप कह रहे हो आदरणीय अखिलेश जी ने इतिहास में नाम दर्ज करा दिया। अब ऐसा इतिहास तो ठीक नहीं है कि 120 में 2 नहीं। भाई सपा कहां की पार्टी, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी ही महत्वपूर्ण है उसके लिए,
नागालैंड की कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी की तो मैटर करती नहीं क्या, और ओवरसीज समाजवादी पार्टी भी मैटर नहीं करती, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक सपा, ठीक, उसमें जो कार्यकारिणी बनाई उसमें 120 में दो लाए, आप बताइए कैसे मान लेंगे मामला ठीक है। जोशी जी देखिए अमिताभ जी जी, मैं इस बात को इस तरह से नहीं अपना बचाव करूंगा कि हमारे यहाँ महिला की बहुत अच्छा अपना जो माधुरी जूही सिंह के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा काम चल रहा है वो दिखाई देता, मैं इस विषय से अपने आप को नहीं ढकूंगा। ये जो आपने जो प्रश्न करा है इस प्रश्न पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज हम इस सीट से शुरू कर रहे हैं और आगे हम इसको संगठन से भी शुरू करेंगे, ये आपको भविष्य में दिखेगा। नहीं, आगे भाई जूही सिंह जो काम कर रहे हैं वो महिला मोर्चा का, उसमें पुरुष तो जा ही नहीं सकता भाई, अस्पताल में जो महिला वार्ड है उसमें पुरुष थोड़े ने इलाज कराएगा आपको, देखो हमने इसमें महिलाएं रखी, अरे वो तो महिला वार्ड है ही भैया, तो महिला मोर्चा में तो जूही रहेंगी। नहीं मैंने ये विषय नहीं कहा अमिताभ जी, मैंने ये कहा कि आज हमने 20% टिकट की घोषणा करी हमारे नेता ने, तो निश्चित तौर पर आगे आपको संगठन में भी आगे जो सुधार दिखाई देगा आपको इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा, और इसकी शुरुआत हमने करी है, ये इतिहास में दर्ज हो गया, आप कितने तो गोले बारूद मार दीजिए इस पार्टी में छुपाए। ठीक, पंचों की राय, एक हमारे यहाँ कहावत है उत्तर प्रदेश में कि पंचों की राय शरमाते खटोला यहीं बिछेगा, क्या बोले सारा सशक्तिकरण ठीक है लेकिन हम भाई 120 में दो ही रखेंगे। चंद्रेश जी मूल प्रश्न वो कि जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, मैं बहुत स्पेसिफिक कर दूं सवाल ताकि भटके नहीं बहस मेरी, है ना, मेरी इसमें बड़ी उत्कंठा रहती है कि विषय भटके नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक, ऐसे राज्य जहां दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है उसमें एक कांग्रेस है या वो सरकार में है या प्रमुख विपक्षी दल है, क्या ऐसे राज्यों में कांग्रेस अगर नारा दे लड़की है हूं लड़ सकती हूं 40% देंगे क्या, तो बात में दम आ जाएगी, नहीं नैतिक रूप से ये बात ज्यादा प्रामाणिक होगी, आपको महिलाओं में विश्वसनीयता हासिल होगी कि भाई जहां जीत सकते थे वहां लड़ाया जी। अमिताभ जी महिलाओं के प्रति जो आपकी चिंता है बिल्कुल उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमें शुरुआत कहीं से करनी होती है। जैसे आपने अभी टर्म में किया कि चौथे नंबर की सीट पर चश्मा लेकर कूदते महिला लड़ते हैं, हो सकता है इस बार जमानत जब्त हो जाए, हो सकता है अगली बार वही महिला चुनाव जीत कर आए, शुरुआत तो करना पड़ेगा महिलाओं के अंदर, कम से कम टिकट देने से चुनाव लड़ाने से एक अवेयरनेस तो आएगी और बाकी भी महिलाओं लड़कियों के अंदर ये विश्वास आएगा कि हमें भी राजनीति में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाई हो तो अमित जी बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई हो तो बताइए। मैं जो बात कह रहा था कि कौन पार्टी महिलाओं की कितनी समर्थक और कितनी विरोधी है, जब तुलनात्मक रूप से इस बात का अध्ययन किया जाएगा तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ सभी पार्टी में महिला सशक्तिकरण में कांग्रेस पार्टी नंबर वन पर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। इस बात को समझना चाह रहा था, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में ये मामला छेड़ा नहीं होता तो आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शायद नहीं हो रहा होता और आज यदि राष्ट्रीय चर्चा का विषय है सदन के, ठीक है चंद्रेश बाबू रुक जा रुक जा, मैं इसको और आपके लिए बेहतर कर दूं, आपको थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके पार्टी के हिसाब से इसको और क्रिस्प कर दूं, आप कहना ये चाह रहे हो उसको मैं रिट्रीट कर दूं ताकि इतिहास में दर्ज हो जाए जोशी जी के शब्दों में। कांग्रेस ये कह रही है, चंद्रेश जी ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में जो नारा दिया था चुनाव में कि लड़की हूं लड़ सकती हूं और 40% सीटें देंगे, उसी के चलते भाजपा ने डर के कांपते हुए यह विधेयक ला दिया, बात खत्म, लिख दिया इतिहास में। अब ठीक है, फैसला जनता करेगी मित्र, आपके हमारे कहने से क्या होता है, आदमी गांव में रहता जरूर है लेकिन उसका विवेक जागृत है। जयप्रकाश जी ने कभी इंदिरा गांधी को लिखा था क्या कि भारत का आम आदमी स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकता है हिंदू लेकिन उसका विवेक जागृत है। कोई कहे, मैं तो कह रहा हूं सब लोग श्रेय लो यार,
मोहल्ला सुधार कमेटी का अध्यक्ष हूं, वो भी कहे मुझसे डर के मोदी लाए बिल, मैं उसके भी साथ हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपकी बात में दम होगा तो आधी आबादी का झरा वोट आपको मिलेगा। झरा मतलब समझते हैं, यूपी का एक फ्रेज है, क्या बरसात की तरह वोट आपको गिरेगा। अनुपम जी, ये जो महिला आरक्षण के मतलब मेरा संयोग ये रहा कि मैं पहले दिन से इसको फॉलो कर रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट, क्या जितने भी प्रधानमंत्रियों ने इसको बिल को टेबल करने की कोशिश की, मैं हर समय लोकसभा और राज्यसभा में रहा एक पत्रकार के नाते, तो हमने सबको देखा क्या। लेकिन अब आज सब लोग कह रहे कि नहीं, हम तो महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और इतिहास में नाम दर्ज है, क्या हमने शरद यादव को भी सुना परकटी क्या, लेकिन उनकी पार्टी सब कह रहे कि अब हम महिलाओं के लिए ओके ठीक मान लेते हैं। तो फिर महिलाओं का वोट जिसको मिलेगा चुनाव में, माना जाएगा कि आधी आबादी ने उसी को स्वीकार किया, बाकी को नकली घोषित कर दिया। अनुपम जी, अब ये तो फिर उसी तरह है वो अमिताभ जी ने, कि आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया और उनमें से कितनी महिलाएं जीत के आई, तो उसी से पता चलेगा कि महिलाओं ने एक्चुअली वोट दिया किसी को। आप देखिए हरियाणा में 57 साल में कुल मिला के सबने महिलाओं को टिकट दिया, 57 साल में 6 महिलाएं जीती आज तक हरियाणा में, पंजाब और हिमाचल का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है। और एक चीज और भी मैं सुन रहा था अमिताभ भाई, तो वो एक सिंपल सी बात पे एक सवाल जो पूछना चाहता हूँ कि जब अखिलेश यादव रीवा में कहते हैं कि हम 20% महिलाओं को वोट देंगे, वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि 20% महिलाओं को वोट देंगे, सॉरी टिकट देंगे, वो ये क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश में 20 में, अरे भाई वो कहते हैं से 20% महिलाओं को वोट देंगे टिकट देंगे, वो अपने आप को मध्य प्रदेश तक सीमित, उत्तर प्रदेश की पार्टी मध्य प्रदेश में कह रही है कि 20%। उत्तर प्रदेश की जहां तक सवाल आता है, इस बात को मुझे कहने दीजिए अमिताभ जी, इस बात में बहुत छुप दूं, मैं प्रयागराज से आता हूं मैं, और यहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ऋचा सिंह ने पहली अध्यक्ष होकर इतिहास कहते हैं सवाल सवाल से भी पूछ लीजिए, केवल विपक्ष मैं सपा पे आरोप लगाता हूँ और जवाब कांग्रेस से क्यों आ रहा है मेरी समझ के बाहर है। बहरहाल, तो ऋचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मैं जानता हूँ ऋचा सिंह के, अब उन ऋचा सिंह के लिए जिस तरह की जुबान में जगन अग्रवाल ने गालियां दी, मैं दावा करता हूँ अमिताभ जी आपने भी अपने जीवन में कभी सामाजिक जीवन में नहीं देखा होगा, और उस जगन अग्रवाल को बचाने के लिए डीजीपी कार्यालय चले जाते हैं अखिलेश यादव। तो इसने देखिए आप हमें सब न समझाया कि साहब 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश की पार्टी देगी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में शुरू करेगी, उत्तर प्रदेश मेरे कल शुरू करेगी 4th नंबर से, जब पीडीएम आएगी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो आप देखिए महिलाओं में जब अखिलेश यादव जाते हैं तो महिलाओं में उनका इकलौता रिप्रेजेंटेशन डिंपल यादव होते हैं, और कहीं आपको महिला रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप कुछ भी कह लें कि साहब हमने बिल लाया और हम महिलाओं को ये वादा कर रहे हैं, महिलाओं को वो वादा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब फिर से मुझे कांग्रेस से ही मिलेगा। लेकिन मेरा ठीक अनुपम भाई, बिल्कुल ठीक। जोशी साहब, जोशी देखिए, जोशी जी आपको इस बात पर खुश होना चाहिए, हालांकि आप लोग कांग्रेस को अभी भी गच्चा दे रहे हो यूपी में, हमें मालूम है, क्या आप कह रहे हो हम नेता हैं हम बांटेंगे टिकट, आप लोग लाइन में आ जाओ सब लोग, क्या तो वो तो अजय राय है जो बीच बीच में बोल देते कि नहीं हम नेता हैं हम बांटेंगे, ठीक। लेकिन कांग्रेस देखो कितनी निष्ठा के साथ आपसे सवाल पूछा जा रहा जवाब दे रही है, इससे ज्यादा अपनापा और क्या होगा। नहीं पहले तो मैं अपने अपने घरेती वाला मामला है, बिल्कुल घरौआ वाला, नहीं नातेदारी रिश्तेदारी। देखो मैं तो चंद्रेश के इस जेस्चर से बड़ा खुश हुआ, हृदय घाव मेरे तुलसी ने लिखा अनुपम भाई, लक्ष्मण की जब शक्ति लग गई तो तुलसी ने लिखा जो आप कह रहे थे, क्या बोले लक्ष्मण जी कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है, घाव तो मेरे है लेकिन दर्द रघुवीर को है, क्या वही स्थिति हो रही बताइए, ऐसा भाव कहीं मिलेगा गठबंधन में। जोशी जी लड्डू बांटो जी। देखिए अनुपम मिश्रा की बात का जवाब देना मैं ज्यादा बढ़िया सोचता हूँ लड्डू बांटने से जी, मुझे लगता है इनको इनको थोड़ा सा मैं ज्ञान दे दूं, इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे हन लोकसभा में मैं अगर सांसद है हमारी आदरणीय डिंपल यादव जी, तो राज्यसभा में शायद नाम लेना भी उचित नहीं समझा जाए, आदरणीय जया बच्चन जी, पहला सुधार तो इनका मैं यहाँ पर कर दूं। और ऋचा सिंह के बारे में चार बार से जया बच्चन को समाजवादी पार्टी
जिन फिल्मी अभियुक्तियों की परिपक्वता ये वो बात बोल चुके थे, आपने गलत सुना, वो बोल चुके थे जय बच्चन का, और ये भी बता चुके थे चार बार से जय बच्चन बता चुके थे जो जो पार्टी पाउडर की बात करते हो चार बार। भाई अभी केवल जोशी जी की बात जी, अमिताभ जी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा पूरा वीडियो देख लेना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला ये, बिल्कुल बिल्कुल आप केवल आपकी आवाज जा रही है, केवल आपकी आवाज जा रही है भैया जोशी जी जी। अब मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता दी, ऋचा सिंह का उधार देने का काम कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका और ज्ञान सुधारना चाहता हूँ। ऋचा सिंह को टिकट देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, ऋचा सिंह को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, ये बताने का काम नहीं करते, देश को भ्रमित करने वाले ऐसे पत्रकार होते हैं जो अखिलेश यादव जी की बुराई की बौ करते रहते हैं और कभी अच्छाई का ओ नहीं कहते, ऐसे पत्रकार होते हैं। आप ही बोलो, भाभी बोलो, ठीक है, पूरा पूरी वर्णमाला बोलो, आवा क्या आ से लेके ज्ञान तक सब बोलो जोशी जी, दिल पे मत लो, आप आज इस बात से खुश रहो कि ऐसा हमजोली मिला है आपको, क्या तीर आपके लगे दर्द उसके हो, सियासत में ऐसा हमजोली मिलना वाली मुकद्दर की बात होती है क्या? अब यही प्रेम अजय राय और अखिलेश यादव में बन जाए तो बढ़िया, जो चंद्रेश जी और जोशी जी में बन गया क्या, उधर वो भी तलवार खींचे इधर ये भी तलवार खींचे, हालांकि प्रवक्ताओं में प्यार देख के मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना, जिस बात को आप कहना चाहते हैं ठीक है जोशी जी, रुक जाओ भाई, अरे भाई कभी हल्की फुल्की बात भी कर लिया करो, काहे इतना टेंशन में हो, एक गाना था सिनेमा में, एक डोर खींचे दूजा खींचा चला आए, क्या ये अच्छी बात है आज के टाइम में, ऐसा रिश्ता तो है ये रिश्ता अखिलेश जी और अजय राय में भी होना चाहिए, हालांकि अखिलेश जी ने कहा था कि अजय राय क्या करे हमसे मतलब नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठते हैं कांग्रेस के, क्या बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेगा, अजय राय से क्या मतलब, अब ये सुन के अजय राय को क्या लगा होगा अजय राय जाने, लेकिन मामला थोड़ा ऐसा है, लेकिन चंद्रेश जी ने आज अच्छा जेस्चर दिखाया समाजवादी पार्टी के प्रति, यह भाव अच्छा है। साक्षी दिवाकर वही मसला, हम जब कुरियर भेजते हैं ना और उसमें कांच का सामान होता है तो उस पर लिख देते हैं हैंडल विद केयर, वैसे ही मैं कहता हूं चाहे दलित हो चाहे वंचित हो चाहे महिला हो, लोहिया जी कहा करते थे, अनुपम भाई ध्यान दीजिएगा, लोहिया कहा करते थे कि महिला किसी जात की हो वो पिछड़ी, ब्राह्मण हो तो भी पिछड़ी, क्या ठाकुर हो तो भी पिछड़ी, क्या तो उनके साथ कुछ हैंडल विद केयर भी करना होगा, कुछ अतिरिक्त सपोर्ट, कुछ अतिरिक्त ऐसे स्थानों पर से उनको लड़ाइए जहां से उनका मनोबल बढ़े वो जीत के आए, उससे पहले संगठन में उनको बड़ी भूमिकाएं मिले नहीं। बिल्कुल, आप अभी जो आपने बात कही है उसी पे मैं दो पंक्ति बोलना चाहूंगी, सुषमा जी ने कहा था लगभग 8-10 साल पहले, एक तपती दोपहर है नारी की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारी की जिंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो 64 की विशाल या रामायण और महाभारत दोनों की कालखंड की बात की है उन्होंने, हर सदी में है दाव नारी की जिंदगी, तो अब जब ये जो पथरीली डगर है वो थोड़ी आसान हो रही है, जो तपन है वो थोड़ी कम हो रही है, तो हम सबको इसका सहयोग करना चाहिए और हम सबको महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी जो शुरुआत हुई थी 2014 में वो हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, और अब हम आ गए एमपी बनो एमएलए बनो, तो बहुत बड़ी परिवर्तन महिलाओं के जीवन में देखने को मिल रहा है, और अगर सभी विपक्षी जन भी अगर साथ देखे तो मुझे लगता है ये जो डगर है और ज्यादा आसान हो पाएगी। जोशी जी 30 सेकंड जी। हाँ, मैं साक्षी जी से कहना चाहता हूँ, आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश ने देखा आपने कैसे बेटी को बचाया, कैसे बेटी को पढ़ाया, ठीक है, मणिपुर में कैसे आपने बेटी को बचाया। जोशी जी 30 सेकंड, आप मणिपुर चले जाएंगे तो एक घंटा अलग से चाहिए, अब आगे बात आपने रिकॉर्ड में रख दी, पार्लियामेंट भी ऐसे चलती भाई बोलने का समय नहीं है भाषण ले कर दो, क्या पार्लियामेंट में भाषण ले कर दिया जाता है, लंबा भाषण है समय नहीं स्पीकर कहता ले कर दो, विधानसभा में भी ये होता है, आपकी बात दर्ज हो गई बस ठीक है। अनुपम भाई 30 सेकंड जल्दी से, 30 सेकंड 15 सेकंड भाई, अक्सर मुझ पे आरोप लगता है यहाँ नहीं तमाम चैनल्स पे और इस तरह की बातें होती कि मैंने समाजवादी पार्टी को ऐसा कहा वैसा कहा, देखिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर मुझको बहुत अफेक्ट करता है, और एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि देखिए सतयुग नहीं चल रहा है, कलयुग है, अपराध होता था अपराध होता है अपराध आगे भी होता रहेगा, अंतर सिर्फ इतना पड़ता था भाई कि आपका जो मुख्यमंत्री ऑफ द डे है वो ये कहता है कि मिट्टी में मिला दूंगा, कि ये कहता है लड़के हैं गलती हो जाती है, ठीक बात। देखिए अपराध किसी भी देश में
कोई देश अपराध मुक्त नहीं, पॉल्यूशन फ्री तो है देश, करप्शन फ्री भी हो सकता है, अपराध मुक्त कोई देश नहीं हो सकता, ना हुआ ना है ना होगा। जब से आदमी आया तब से अपराध आया। ठीक, जो बात अनुपम कह रहे थे वही बात मैं कहूंगा। शासन ने, सत्ता ने, प्रशासन ने उसको, उसका प्रतिकार कैसे किया। जोशी जी अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, और हम सब लोग पिता भी हैं। आजमगढ़ में एक बच्ची का दुपट्टा खींचा, मोटरसाइकिल पर तीन गुंडे थे उन्होंने, वो बच्ची लड़खड़ाई गिर गई, उसके ऊपर से कोई वाहन गुजर गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। हृदय विदारक घटना थी, मुझको भी बहुत क्षोभ हुआ, जहां जो कुछ कह सकता था कहा भी, अपना गुस्सा जाहिर किया। दो दिन बाद हमको खबर मिलती है कि वो तीनों लोग जिन्होंने उसका दुपट्टा खींचा था बच्ची का, जिसके कारण ऐसी अवस्थिति पैदा हुई कि वो दिवंगत हो गई, उसमें एक को तो यमराज मिल गए, राम नाम सत्य हो गया, दो की ऐसी व्यवस्था हो गई, उस व्यवस्था के चलते ऐसी अवस्था हो गई, अब जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल क्या, स्कूटी भी क्या, साइकिल भी नहीं चला पाएंगे क्या। तो दुपट्टा छीनना भूल जाएंगे ना। उनका वीडियो मैंने देखा था, क्या अस्पताल में घिसट के चल रहे हैं, ये मसला है। अतीक का मैं विषय पे आना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग ला देते हो। अतीक का लड़का मारा गया एनकाउंटर में, को क्या था वो लड़का, ऐसा तो था नहीं कि कोई सत्यनारायण कथा करता था सब जगह जाके, ऐसा तो काम कर नहीं रहता। उसने एक वकील को सरेराह मारा, उमेश पाल, जब वो मारा गया पुलिस के मुठभेड़ में चंद्रेश जी, तो मैंने उत्तर प्रदेश के, भारत छोड़िए आज उत्तर प्रदेश की बात, वो यही रहते हैं क्योंकि अनुपम जी ने वही की बात ज्यादा किया, बड़े नेताओं ने जो संवैधानिक पदों पर रहे हैं लंबे दौर तक, उन्होंने मालूम क्या कहा, लोकतंत्र की हत्या हो गई, कानून की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने सहयोगियों से कहा, साथियों से कहा कि जरा ढूंढ के आओ कानून, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या। वो 10 मिनट बाद आए, बोले नहीं सर, सब तीनों जिंदा हैं। मैंने फिर मरा कौन, बोले अतीक का लड़का मरा जो अपराधी था। इस बात से शर्म नहीं आती हम लोगों को, अपराधी मर रहा है और आप कह रहे हो संविधान मर रहा है। आज अशरफ का साला पकड़ा गया, उसके लिए भी सापा करोगे है क्या। अशरफ का साला क्यों पकड़ लिया, 1 लाख का इनामी था। पार्टियां आएंगी जाएंगी मित्र, लेकिन यहां विभाजक, विभाजन रेखा ठीक खींचो। और एक चीज सुन लो, अतीक मरा, बड़ा हाय तोबा मची, उसका लड़का मरा, इतनी हाय तोबा मची जोशी जी, कहा गया जी ठोको पॉलिटिक्स हो रही है, आपके अध्यक्ष जी इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, ये ठोको सरकार है क्या। इसी सरकार के कार्यकाल में, अतीक के हत्या के आसपास के समय में, यहां पश्चिम में बिजनौर में एक 2.5 लाख का इनामी अपराधी था, वो एम फैक्टर से नहीं था क्या, वो एच फैक्टर से था, उसको भी एनकाउंटर में मार दिया एसटीएफ ने क्या। किसी ने नहीं कहा कानून की हत्या हो गई, किसी ने नहीं कहा संविधान की हत्या हो गई, किसी ने नहीं कहा लोकतंत्र मर गया, किसी ने यह तक नहीं कहा कि मूंगफली की हत्या हो गई। अरे कहीं तो कोई लाइन सीधी खींचो भाई, आप तो अपराध में भी जाति देखोगे क्या, मजहब देखोगे क्या। इस बात से प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए कि जिन हाथों ने बेटी का दुपट्टा छीनने की कोशिश की उनका यह हस्त किया शासन ने, लेकिन आपको तो लगेगा लोकतंत्र की हत्या हो गई, उसको यमराज क्यों मिल गए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेटी को छेड़ के साथ अभद्रता करोगे, अगले चौराहे यमराज मिलेंगे, लोगों ने बड़ी हंसी बनाई। अब मिल रहे हैं तो तिल मिला रहे हैं कि भाई यमराज क्यों मिल रहे हैं, क्या चॉकलेट लेके लोगों को खड़ा करें उनसे मिलने के लिए।
बेटी साझी होती है मित्र, उसको सियासत की चौसर पर खड़ा मत करिए, उसको हिंदू मुसलमान की चौसर पर भी खड़ा मत करिए। दुपट्टा हिंदू की बिटिया का खींचे या मुसलमान की बिटिया का खींचे, बेटी बेटी होती है, उसमें भेद नहीं हो सकता। किसी पार्टी की मानने वाली हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी हमारी सबकी साझे सम्मान की प्रतीक है। इसलिए मैं कहता हूं लकीर कहीं कहीं सीधी खींचिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। अब एक टिप्पणी इस आज के विषय पर जरूर करूंगा। मैं फिर कहूंगा चंद्रेश जी ने जो बात कही अच्छी कही, अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा और आक्रामक पक्ष रखा। प्रोफेसर साहब तो है ही, अनुपम जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, साक्षी ने भी। लेकिन मैं एक बुनियादी बात कहूंगा, महिलाओं के साथ और ज्यादा सहृदयता से सोचना होगा राजनीतिक दलों के मुखियाओं को। उनके साथ ये खेल खेलने की कोशिश मत करिए। बोले हमने मणिपुर में लड़ाया तो, अरे भाई साहब पार्टी उत्तर प्रदेश की मणिपुर में चुनाव लड़ा रहे हो, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे? धूल नहीं झोंक रहे, गंगा की रेती में आंखें घुसा दी सीधी डायरेक्ट, ये नहीं चलेगा ना। आप और दूसरी बात मैं कहूं, सोनिया जी, प्रियंका जी, डिंपल जी बहुत बड़े राजनीतिक परिवारों की बहु बेटियां महिलाएं स्वतः इंपावर्ड हैं, उनको और कितना इंपावर करेंगे भाई? इंपावरमेंट की भी एक लिमिट है, कितना इंपावर करेंगे? अब कोई कहे महिला के नाते मायावती जी को भी इंपावर करना, चार बार मुख्यमंत्री ले, कितना इंपावर करेंगे? नहीं, ननकू की बिटिया इंपावर होनी चाहिए। चंद्रेश जी जोशी साहब क्या, रज्जाक की बहू इंपावर्ड होनी चाहिए। बोले अब्दुल्ला आजम विधायक, आजम खान साहब 18 मंत्रालयों के मंत्री, फातिमा जी उनकी बेगम राज्यसभा, बोले सब इंपावर कर दिए मुसलमान और महिला, ये नहीं चलेगा? माफ करिए हमको ना, ये नहीं चलेगा ना। गरीब की बेटी इंपावर्ड होनी चाहिए। मैं इस मामले में बड़ा विचित्र व्यक्ति हूं। मुझे याद है मेरे ख्याल 20-25 साल पुरानी बात होगी अनुपम भाई, लालू की पार्टी, लालू यादव एक मुसहर जात की एक महिला को जिताकर ले आए लोकसभा। क्या उसने शपथ ली? उस दिन मैंने एक पीस लिखा था, मुझे अच्छा लगा हृदय से। इंपावरमेंट वहां होगा भाई, राबड़ी देवी से इंपावरमेंट होगा, मीसा से इंपावरमेंट होगा, वो तो खुद ही पावर हाउस है भाई, कितना इंपावरमेंट करेंगे? क्या आप डिंपल जी को उसमें जोड़ सकते हैं कि भाई एक सांसद तो हमारी, चार में एक महिला है, 25% हो गया आरक्षित, चार है आपकी लोकसभा में, आप ये कह सकते हो एक डिंपल जी है, 1/4 हो गया, बोले 25%, बीजेपी की 14% है। नहीं, डिंपल जी सांसद नहीं हो तो भी वो डिंपल जी है। गलत कह रहा हूं क्या जोशी जी? सब पर नियम लागू है, गलत तो नहीं कह रहा ना। प्रियंका जी पार्टी की सदस्य भी नहीं थी जब, क्या बच्चे छोटे थे, घर देख रही थी, तब भी चंद्रेश बाबू सच कह रहा हूं हृदय से, मैंने नेताओं को उनसे मिलते देखा है, क्या इतना झुक जाते थे लगता था गिर न पड़े, क्या कहीं कमर में लचक आ जाती थी, क्या उतना जलवा तो तब भी उनका था। ये तो प्रियंका गांधी, मैं आपको एक सच बता दूं, राजीव गांधी के एक सहायक थे अनुपम जी, विंसेंट जॉर्ज, बहुत जलवा था उनका कांग्रेस में। जोशी जी सुन लीजिए, क्या उनके, सोनिया जी के भी निजी सहायक रहे बहुत लंबे समय तक। उनके यहां जब मैं एक बार मिलने गया तो नारायण दत्त तिवारी, माखनलाल फोतेदार, मोहसिना किदवई, ऐसे लोग तो विंसेंट जॉर्ज से मिलने के लिए बैठे थे। क्या उनका जलवा सोच लीजिए, क्या जॉर्ज का जन्मदिन होता था तो सुबह 5 बजे से लाइन लगती थी उनकी कोठी, क्या देश भर के गवर्नर और मुख्यमंत्री गुलदस्ता लेके, क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार के ड्राइंग रूम के बाहर उनका कमरा था। चंद्रेश बाबू समझ गए ना आप, वो CWC के चेयरमैन नहीं थे क्या? फिर भी जो CWC में भी थे वो उनको नमस्ते करते थे,
कि हमने आंखों से देखा है, सुनी सुनाई गूगल वाली बात नहीं बताता क्या, और कोई दूसरा बताएगा भी नहीं भाई साहब। मैं जब पहली बार विंसेंट जॉर्ज से मिला तो बाकी जो लोग उनके यहां बैठे थे बड़े नेता, ये लोग हमको अतिरिक्त स्नेह देने लगे। उनको लगा अग्निहोत्री जी विंसेंट जॉर्ज के बड़े करीबी हैं क्या। अरे महीने का बाप रे बाप राम भजू, ये जलवा नहीं। सोनिया जी हैं, उनका सम्मान है, लेकिन ननकू की बेटी तक कांग्रेस को जाना होगा, भाजपा को जाना होगा, सपा को जाना होगा, और मायावती जी को भी अपने खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए। उनका एम्पावरमेंट हो गया जितना होना था, सेचुरेशन पर पहुंच गया एम्पावरमेंट। अब इससे ज्यादा एम्पावरमेंट नहीं हो सकता, तो डिक्लाइन ही हो रहा है भाई। उम्र के विरुद्ध कोई लड़ पाया क्या? नहीं ना। कितना भी च्यवनप्राश खाओ बुढ़ापा तो आएगा। वैसे ही हर चीज की एक एक्सपायरी है, आपके करियर की भी एक एक्सपायरी है। क्या बसपा ये कह सकती है कि हम अपने जो जहां अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं वहां उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 20 सीटें भी ठीक से महिलाओं को दे दे 80 में से? नहीं ना। इसलिए मेरा मानना है दिल खोल कर दीजिए। ये उंगली कटा के शहादत में नाम मत लिखाइए क्या। नहीं, बड़े परिवारों की महिलाएं सशक्तिकरण की देहरी को पार कर चुकी, वो सशक्त हैं। अब जो सशक्त नहीं हैं उनके लिए काम करना चाहिए, ये महिला आरक्षण उनके दरवाजे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।